हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो जेई फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए है। हमारे कंप्लीट 12 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। आज का जो हमारा ये 13 लेक्चर है, और अब तक जितना भी हमने किया था, हमारे जितने भी लेक्चर हुए थे उनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स आज सोल्व करेंगे। हमारा जो आज का ये लेक्चर रहेगा वो अपना फर्स्ट असाइनमेंट बेस्ड रहेगा। वही जितने न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं, जितना अब तक हमने किया है उनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है f इक्वल टू a cos bx प्लस c sin dt। x हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है और t हमारे पास क्या है, टाइम। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है d बाई बी का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें फाइंड करना है। ऑप्शन है हमारे पास, फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास L1 t-1, सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास t-1, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास m1 l2 t-1 और फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास t1। तो एक बार आप भी खुद से पोज करके ट्राई कर सकते हैं कि भाई हमें डायमेंशनल फॉर्मूला d by b का सोल्व करना है क्या होगा। तो हमें पता है कि भाई जो अपने पास एंगल है cos थीटा साइन थीटा, तो ये आपके एंगल्स है और एंगल्स क्या होता है, डायमेंशनल लेस क्वांटिटी होता है। तो डायमेंशनल लेस क्वांटिटी होता है, तो बी एक्स हमारा होगा m0 l0 t0। एक्स हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं, लेंथ। तो यहां से बी आ जाएगा, एल डिवाइड में आएगा, यहाँ पे ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास बी का आएगा डायमेंशनल फॉर्मूला m0 l-1 t0। ये तो हो गया हमारे पास बी का। उसके बाद है अपने पास डी का निकालना है, तो डी टी भी हमारा क्या है, एंगल है, और एंगल जो होता है डायमेंशनल लेस होता है, तो क्या होगा m0 l0 t0। अब इस टी को डिवाइड में ले जाएंगे ऊपर जाके t-1 हो जाएगा, तो डी हो गया हमारे पास m0 l0 t-1। अब करना क्या है हमें, डी बाई बी फाइंड करना है। तो डी हमारे पास ये हो गया, बी की वैल्यू हमारे पास ये रही, तो इसको इससे डिवाइड करना है बस। जब डिवाइड करेंगे तो ये होगा आपका m0 l-1 t0। अब ये m0 रह जाएगा अपने पास, m0 हो गया, l यहाँ पे -1 है, ऊपर लेके जाएंगे +1 हो जाएगा, l हमारा +1 हो गया। t क्या है, यहाँ पे 0 यहाँ पे -1, तो क्या रह जाएगा t-1। तो हमारा क्या हो गया यहाँ पे, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। तो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल यहाँ पे क्या हो गया है सोल्व, अपना जो फर्स्ट असाइनमेंट है, फर्स्ट असाइनमेंट का फर्स्ट न्यूमेरिकल सोल्व हो गया, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, क्वेश्चन सेकंड गिवन दे रखा है कि भाई डाइमेंशनल डाइमेंशन ऑफ द प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट का हमें डाइमेंशनल फॉर्मूला करना है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास डाइमेंशनल फॉर्मूला, द डाइमेंशन डाइमेंशंस ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट हमें डाइमेंशन फॉर्मूला किसका बताना है, प्लैंक्स कांस्टेंट का। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास m1 l2 t-1, बी है हमारे पास m1 l-3 t-1, सी है हमारे पास m1 l-2 t-1 और डी ऑप्शन है हमारे पास m0 l-1 t-3। ठीक है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, ये सब्जी वाला भी यही सब्जी बेच रहा है आज, तो सारी सब्जी बेच ही जाएगा। तो डायमेंशन जो होगा अप्लाइंस कांस्टेंट होता है क्या, अप्लाइंस कांस्टेंट जो अपना होता है एनर्जी, वो होता है एच न्यू के इक्वल। एच जो है हमारे पास क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी जो होता है वो टाइम के क्या होता है, रेसिप्रोकल। तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा m0 l0 t-1। ये तो हो गया आपके पास फ्रीक्वेंसी का। एनर्जी का क्या होता है, एनर्जी हमारा वर्क के इक्वल होता है, एनर्जी का होता है m1 l2 t-2। अब यहां पे क्या करना है, प्लैंक्स कांस्टेंट का करना है, तो ये इसके डिवाइड में आ जाएगा फ्रीक्वेंसी m0 l0 t-1। इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, अपने पास आया m1 l2, ऊपर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा t-1। तो कौन सा ऑप्शन इज करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया है, करेक्ट। आ गया जतिन, आ गया, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सेकंड, दो क्वेश्चन हो चुके हैं अपने फर्स्ट असाइनमेंट के, थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन थर्ड इज, जतिन आज ये सब्जी बेच के जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन थर्ड हमारे पास गिवन दे रखा है कि भाई आपके पास है, क्वेश्चन थर्ड है हमारे पास कि हमारे पास p इक्वल टू अपने पास है p नॉट एक्सपोनेंशियली माइनस अल्फा टी स्क्वायर। हमें यहाँ पे अल्फा की जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है, हमें अल्फा फाइंड करना है, अल्फा अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है।
फर्स्ट है अपने पास ऑप्शन ए इज डाइमेंशनलेस, इज डाइमेंशनलेस के भाई ये डाइमेंशनलेस होगा। जतिन इसको धमका क्या भाई, इस आवाज को कम कर। बी ऑप्शन है अपने पास टी माइनस टू, सी इक्वल टू अपना टी टू दे रखा है, और डी हमारे पास दे रखा है यहाँ पे हैज, डी अपना दे रखा है यहाँ पे ऑप्शन, यहां लिख लेते हैं अपने पास हैज डाइमेंशंस ऑफ पी, जो पी का डाइमेंशंस होगा वो हमारे पास इसका अल्फा का डाइमेंशंस होगा। पी हमारे पास क्या दे रखा है इसने, पी हमारे पास इसने दे रखा है यहाँ पे प्रेशर, पी हमारे पास क्या है सॉरी फिजिकल क्वांटिटी, पी इज अपने पास फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मान लेते हैं, पी प्रेशर मान लेते हैं, पी अपना पी है प्रेशर है इक्वल टू पी नोट एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा टी स्क्वायर। तो मैंने बताया, हमने डिस्कस किया था कि भाई जो एंगल होता है, एंगल का क्या होता है, एंगल हमारा डाइमेंशनल लेस होता है, तो यहाँ पे जो अल्फा टी स्क्वायर होगा वो हमारा डाइमेंशनल लेस होगा, मीन्स एम जीरो एल जीरो टी जीरो, तो अल्फा आ जाएगा अपने पास एम जीरो एल जीरो, ये टी डिवाइड में आएगा ऊपर आके टी माइनस टू हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट, आंसर बी इज करेक्ट, आ गया जल्दी क्लियर है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं अपने, थ्री क्वेश्चन क्या हो चुके हैं कंप्लीट हो चुके हैं, फोर्थ क्वेश्चन हमारा हमारे पास नियम दे रखा है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशंस एफ ऑफ मास एम सस्पेंडेड फ्रॉम द स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के, स्प्रिंग कांस्टेंट के है इज गिवन बाय अ रिलेशन, अपने पास एक रिलेशन दे रखी है। क्वेश्चन फोर्थ, फ्रीक्वेंसी एफ है ए इक्वल सॉरी एफ इक्वल टू ए m की पावर x k की पावर y, यहां पे m हमारे पास दे रखा है मास, k जो है आपके पास वो है स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट हमें बता रहा है कि भाई डाइमेंशनल सॉरी हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, ऑप्शन फाइंड करना है हमें, फाइंड x एंड y, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 1 बाई टू, 1 बाई टू, सेकेंड ऑप्शन है माइनस 1 बाई टू, माइनस 1 बाई टू, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास 1 बाई टू, माइनस 1 बाई टू, और फोर्थ ऑप्शन है अपने पास माइनस 1 बाई टू और प्लस 1 बाई टू, ठीक है। एक बार खुद से ट्राई करो, ट्राई करने के बाद पता चलेगा क्या आएगा। तो यहाँ पे हमने इस टाइप के न्यूमेरिकल किए थे, और हमने क्या किया था भाई, लेफ्ट साइड और राइट साइड वाली जो टर्म होती थी उनके हमें डाइमेंशनल फॉर्मूले लिखने होते थे, और पावर्स का कंपैरिजन करना होता था, वहां से हमें एक्स और वाई की वैल्यू मिलती थी, वहां पे हम ए बी सी लेके चलते थे। तो ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी टाइम का रेसिप्रोकल होता है, तो इसका तो डाइमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास एम जीरो एल जीरो टी माइनस वन हो गया। यहाँ पे क्या है तुम्हारे पास, मास है, तो मास का होगा एम वन एल जीरो टी जीरो, पावर एक्स है, स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट की, ये बताया था हुक्स ने, ठीक है। तो जब फोर्स का जब हम हटाते हैं डाइमेंशनल फॉर्मूला, तो यहाँ सॉरी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, तब अपने पास क्या आता है, ये हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। तो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट, जितना डिस्प्लेसमेंट चेंज जितना फोर्स लगाते हैं उतना डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारा चेंज। तो फोर्स का क्या होता है हमारे पास